इज वेलकम टू लेक्शन ऑफ कॉपोरेट रिस्टक्चरिंग इन सोलवेंसीिक्विडिंग दिस सी एस चित एंड अपने ये सब्जेक्ट को लेकर बढ़ते हैं आगे स्टिंग ओके गुड ठीक है चलो तो अपने कल स्टार्ट कर लिया था अपना लेक्चर सीरीज अपने कल देख लिए थे कि ये सब्जेक्ट क्या है हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप क्यू है यहां पे ऐसे दो वर्ड्स है जो पे, बे मतलब के डाले गए कौन से दो वर्ड्स लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप क्योंकि प्रैक्टिकली इस पूरे सब्जेक्ट में एक चैप्टर है लिक्विडेशन के ऊपर एक चैप्टर है वाइंडिंग अप के ऊपर ठीक है इंसॉल्वेंसी कवर करता है आपका मेजर पोर्शन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो जितना पहले कवर करता था उतना ही करता है क्या चीज गायब हो गया ना इस सिलेबस से

आरडीडी बी एक्ट 1993 उसके बाद मिसलेनियस थिंग्स अब उसमें क्या क्या आएगा आपका क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी आ जाता है लिक्विडेशन का एक चैप्टर वाइंडिंग एक चैप्टर ठीक है तो अपने ये देखने वाले उसके बाद वील मूव ऑन टू कॉर्पोरेट री दैट इज पार्ट वन जिसमें हम लोग देखेंगे मौज कम टेक ओवर्स फिर उसका कॉम्पिटिशन लॉ का एस्पेक्ट टैक्स का एस्पेक्ट स्टैंप ड्यूटी का एस्पेक्ट अकाउंटिंग का एस्पेक्ट ऑल दैट ठीक है ऑल ऑफ दैट तो अपने उसके बाद कल स्टार्ट किए थे अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट इंसॉल्वेंसी हम लोगों ने देखा था इंसॉल्वेंसी किस कौन से दो वर्ड से आता है इन एंड सोलवेंटम इन एंड सोलवेंटम मतलब नॉट एबल टू पे ठीक है तो somebody who is not able to pay is called an insolvent. क्या ये different है bankrupt से कैसे Bankruptcy. Bankruptcy is a legal declaration. तो कोर्ट ऑफ लॉ तो इंसॉल्वेंट इज जस्ट अ स्टेट अगर कोई इंसान नहीं दे पा रहे दूसरे को पैसा दैट इज इंसॉलवेंट अगर आप भी अपने दोस्त से पैसा ले रहे हो एंड वो आपको पैसा वापस देने के लिए केपेबल नहीं है फ्रेंड बिकम इंसॉल्वेंट ठीक है और हम लोग इंसॉलमेंट किसके किसके लिए यूज करते हैं सबके लिए वो सबके लिए यूज होता है बिकॉज इट्स अनरल स्टेट अर्सन इज अ रिचर्सन इज अच क्या रिच ठीक है इट्स अनरल स्टेट रिच होना इज अल स्टेट वैसे इंसॉलवेंट होना जनरल स्टेट ठीक है वही चीज अगर हम लेकिन कोर्ट के पास चले जाए एंड कोर्ट को बोले कि आप डिक्लेयर कर दो लीगली कि ये बंदा अपना डेट्स पे ऑफ नहीं कर पा रहा तो कोर्ट उसको क्या डिक्लेयर करेगा बैंक्रप्ट कोर्ट उसको बैंक डिक्लेयर करेगा तो जनरल स्टेट के लिए हम लोग इंस्टॉलमेंट यूज करते हैं बट जब कोर्ट के पास हम लोग जाते हैं तो कोर्ट जो लीगल स्टेटस देगा वो होगा बैंक्रप्ट का बैंक्रप्ट कौन से दो वर्ड सा है बैंका एंड रोटा ये कौन से क्या कहां का ओरिजिन है ये इटालियन इटालियन फ्लोरेंस इटली में क्यों इसके पीछे का स्टोरी क्या है हाँ तो पहले इटली में फ्लोरेंस में एक जगह में बहुत ज्यादा ट्रेड होता था वहां पे लोग अपने अपने बेंच में बैठ के ट्रेड करते थे तो वहां पे कभी भी ऐसा कोई ट्रेडर अगर होता था जो पैसा पे ऑफ नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसके बेंच को तोड़ देते थे सो so दैट बाकी लोगों को पता चल जाए सो इट वॉज नथिंग बट अ फॉर्मल डेक्लेन दैट दिस बंदा जो इसके ऊपर बैठ के काम करता था इज इंसॉल्वेंट नाउ तो वहां से हम लोग ने बैंक का रोटा लिया एंड बैंक बना दिया बैंक्राफ्ट किसके किसके लिए यूज होता है केवल इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स के लिए ठीक है तो अगर मान लो एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो गया आप कोर्ट के पास गए एंड बोले कि ये इंसॉल्वेंट हो गया इसके पास पैसा नहीं है ऐसा फॉर्मल डिक्लेरेशन दे दो द कोर्ट विल से दिस बंदा इज अ बैंक्रप्ट राइट वैसे ही लेकिन अगर हम कंपनी को लेके जाए कोर्ट के पास एंड बोले कि ये अपना पैसा पे ऑफ नहीं कर पा रहे तो कोर्ट क्या बोलेगी कंपनी को लिक्विडेट कर दो कोर्ट कंपनी के लिए बैंक्रप्ट नहीं बोलेगी तो कंपनीज एलएलपीज बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए बैंक यूज नहीं होता बैंक्रप्ट केवल इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स के लिए यूज होता है इट right? यहां तक क्लियर था सो so, हम लोग ने फिर ये चार्ट से देखा था इंसॉल्वेंसी अगर रिजोल्व नहीं हुआ तो इट बिकम्स बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स एंड बिकम्स लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज ये हम लोग ने डिस्कस किया था उसके बाद हम लोग ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखा था तो हम लोग ने देखा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैक्रप्सी कोड जब 2016 में आया तो बहुत हाइप हो गया उसके बारे में बहुत ऐसे एकदम की वाह क्या कोड लेके आया बट क्या यह बहुत बड़ा तीर मार लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने क्या ऐसा कोई एक्ट या ऐसा कोई लॉ पहली बार इंडिया में बनाया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं पहले भी थे कब से थे 1800 से थे तो इंडिया में पहली बार जो भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड लॉ बना था वो 1800 में बना था ठीक है ये एकदम आईबीसी जैसा फुल फ्लेजेड लॉ नहीं था इट वॉजेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बट इंसॉल्वेंसी को हमने लीगली रेकोग्नाइज लॉ में रिकॉग्नाइज पहली बार एटीन हंड्रेड में किया था राइट एटीन हंड्रेड में हम लोग ने क्या बोला हम लोग ने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसमें हम लोग ने दो सेक्शंस डाल दिए सेक्शन एंड डाल एंड बोला कि बॉम्बे मद्रास एंड कलकत्ता के जो कोर्ट्स है उनको इंसॉल्वेंसी मैटर्स लेने का जोरिस्डिक्शन है राइट right? ये चलता रहा अट्ठाईस साल तक 1828 में फिर हम लोगों ने बोला नहीं 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 अलग से कोर्ट बनाना पड़ेगा तो हम लोग ने स्टैच ऑफ नाइन आया जिसमें इंसॉल्वेंसी कोर्ट्स बना दिए ये क्यों हुआ बिकॉज उस समय ट्रेड बहुत जल्दी बढ़ रहा था इंडिया में जितना ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा उतना ज्यादा

हाँ, तो प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट जो कि 1909 का है वो केवल प्रेसिडेंसी टाउन पे अप्लाई करता है दैट इज बॉम्बेलकटा एंड मैड्रास राइट तो बाकी इंडिया के जो जितने सिटीज है टाउन है विलेजेस वहां पे क्या अप्लाई करेगा प्रोविंशियल इंसोल्वेंसी एक्ट 1920 इंक्लूडिंग डेली डेली में भी प्रोविशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट ही अप्लाई करता था उसके बाद इंडिया को मिल गया फ्रीडम इंडियन गवर्नमेंट के पास आगे पार लॉस बनाने का इंडियन गवर्नमेंट बेचारा घबरा गया कि भाई ऑलरेडी मतलब इतना कुछ संभालना है कितने लॉस बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकअसी मैटर्स को उतना भाव नहीं दिया उस समय ठीक है हम लोगों ने स्कैटर्ड प्रोविजन इधर उधर इधर उधर डाल दिए अल्टीमेटली 1985 में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन आया फॉर इंसॉल्वेंसी जिसका नाम था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, बट उसके कुछ बैकड्रॉप्स थे सबसे बड़ा बैकड्रॉप वो केवल सिक इंडस्ट्रियल अप्लाई करता था वो बाकी कंपनीज पर अप्लाई करता ही नहीं था ठीक है सेकेंड ओनली फॉर बॉडी कॉर्पोरेट थर्ड टाइम बाउंड वहां पर मतलब टाइम से कुछ लेना देना नहीं था कोई ये केस अगर स्टार्ट हुआ बीस साल पच्चीस साल चलता है चलता ही आ रहा है ठीक है वहां पे कुछ वही नहीं था तो वो बहुत बड़ा फेलियर था फिर बाद में हम लोग ने और एक्ट्स लाए आरडीडी बीएफआई एक्ट लाया 1993 में लाएफआई एक्ट लाया 2002 में कंपनीज एक्ट आया था 1956 में 2013 में 2013 भी आया लेकिन इंसॉल्वेंसी से डील करने के लिए कॉम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन अभी तक नहीं आ पाया था अल्टीमेटली 2016 में जाके गवर्नमेंट परेशान हो गई एकदम बोली कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा एंड उन्होंने सारे पुराने लॉस को कंसोलिडेट कर दिया और उनको अमेंड करके एक ही कोड लाया जो कि सबसे डील करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड कोड 2016 तो अगर आप इंसॉल्वेंसी एंड टू कोड 2016 का लॉन्ग टाइटल पढ़े तो उसका नाम है लॉन्ग टाइटल मतलब उसका फुल नेम ये है एक्चुअली ठीक है द लॉन्ग टाइटल इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू रिओर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स इन टाइम बाउंड मैनर ठीक है तो इसका मतलब इंसॉल्वेंसी कोड एक ऐसा लॉ है जो पुराने सारे लॉस को amend, uh, कर दिया मतलब मिला दिया उनको अमेंड कर दिया जहां जहां चेंजेस इंडिविजुअल फर्म एंड कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए, लिए. सबको कवर भी कर लिया इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है टाइम बाउंड मैनर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड इज अ टाइम बाउंड कोड टाइम बाउंड मैनर इज अ टाइम बाउंड मैनर इज अ टाइम बाउंड कोड यहां पे टाइम इज ऑफ इन एसेंस यहां पे हर चीज इज बाउंड बाय टाइम एवरीथिंग हर स्टेप इज बाउंड बाय टाइम अपने जब तीन चार क्लास के बाद पूरा प्रोसेस देखेंगे ना आप देखोगे हर चीज में टाइम लिमिट फिक्स है एंड अगर आप वो टाइम लिमिट को ब्रीच कर देते हो तो हम लोग ने कहीं पे भी ये नहीं लिखा दैट पीपल शुड मेक ऑल द एंडेवर्स टू यू नो कम्पलीटेड इन दिस मच टाइम जो हम लोग हर जगह यूज करते हैं बाकी लॉज में आप लोग पढ़े हो गए एंडेवर्स शुड बी मेड टू आउट द जजमेंट इन फोर मंथ्स ऐसा कुछ भी नहीं है यहां सीधा सीधी बोला है 180 दिन में कंप्लीट करो नहीं तो कंपनी लिक्विडेट होगी ठीक है एक्सटेंशन मिल सकता है क्या हम लोग ने बाकी जगह क्या किया एक्सटेंशन इफ द कोर्ट फील्स नेसेसरी हम लोग ने बोला एक्सटेंशन दे दो क्योंकि भाई एक दिन बहुत लंबा टाइम नहीं होता है कभी कबार कुछ अनफोर्सिन इवेंट आ जाते हैं एक्सटेंशन दे दो बट एक्सटेंशन में हम लोगों ने बोला एक ही बार दो आप ठीक है मैक्सिमम 90 डेज का इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोर्ट ने पहली बार में आपको 10 दिन का एक्सटेंशन दिया तो आप सेकंड टाइम जाके ये नहीं बोल सकते कि मेरा 80 डेज बाकी है तो मेरे को 80 डेज दो नहीं बोल सकते बिकॉज इट्स अ वन टाइम एक्सटेंशन एक बार में जितना एक्सटेंशन मिल गया उतना ही मिलेगा उससे ज्यादा नहीं मिल सकता यह एक्सटेंशन मैक्सिमम नाइन्टी डेज का मिलता है ठीक है तो यहां पे अगर आप टाइम फॉलो नहीं करो तो उसका रेपाकन बहुत हैवी है द कंपनी गेट्स लिक्विडेटेड डे इज नो ऑल्टनेटिव ओनली द कंपनी विल नेसेसरली गेट लिक्विडेटेड

और थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कस करते हैं अभी हम लोग केवल जनरल डिस्कस करें इंसॉल्वें कोड कैसे आया ठीक है हम लोग अभी तक उसी में हम लोग कोर्ट के अंदर घुसे भी नहीं अभी तक तो कैसे आया हम लोग उसी में ठीक है तो हम लोगों ने देखा कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट 1800 से चला आ रहा है एकदम स्टोरी जैसे समझना ठीक है एंड इतने सारे लॉज बने जा रहे हैं Now, आप खुद से सोचो आप लोग इतना लॉस पड़ चुके कंपनीज लॉ और हम आप लोग स्पेशली तब आए हो जब कंपनी लॉ जस्ट आया था नया वाला 2013 थाउजेंड थर्टीन एक्ट आया ही था दो तीन साल हुआ था तो यू हैव स्टडीड कि कैसे चेंजेस आते हैं ऑल ऑफ दैट तो जनरली वॉट इज द मोस्ट इजीएस्ट वॉट इज द इजीएस्ट वे इन विच अ न्यू लॉ इज फॉर्म इन इंडिया क्या बनाते हैं हम लोग लॉ बनने के पहले hmm. दो दो तो अब देखो गवर्नमेंट या फिर फॉर दैट मैटर लॉ डिपार्टमेंट इज नॉट इतना वेला या उसके पास इतना टाइम नहीं है इतना एक्सपर्टीज नहीं है इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो बैठ के हर एक टॉपिक के ऊपर प्रॉपर लॉ बना सकते या हर एक टॉपिक के अंदर रिसर्च कर सके कि इसमें कैसा टाइप का लॉ चाहिए राइट right? तो गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड केवल इंडिया का बात नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही टेक्निक फॉलो करती है स्पेशलाइज्ड कमिटीज बना देती है हमने एक ही कमेटी बना दिया इनको बोल दिया आपका एम ये रहा आपका एम ये है आप इसके ऊपर अपना पूरा रिसर्च कर रिपोर्ट बना के दो उस रिपोर्ट के ऊपर फिर हम आगे जाके एक्शन लेते हैं ठीक है ऑलवेज खुद ही सोचना प्रैक्टिकली सो मेनी थिंग्स इसके ऊपर हमें लॉ बनाना है हर चीज एवरीथिंग इज रेगुलेटेड इलेक्ट्रिसिटी टीचिंग योर करियर योर क्लोथ्स योर हाउस योर रोड्स योर सिटीज एवरीथिंग इज रेगुलेटेड सबके लिए लॉ है इतना लॉ का इतने चीजों का क्या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ खुद एक चीज में रिसर्च कर पाएगी ऑब्वियसली नॉट सो वी मेक कमिटीज फॉर दैट ठीक है तो यहां पे हम लोग बस ऊपर से ही पढ़ने वाले एकदम टेंशन मतलब एथिक्स जैसे इसमें अंदर घुस घुसे कोई कमेटी के बारे में नहीं पढ़ना है यहां बस ऊपर से हम लोग कमेटी का नाम पढ़ेंगे ईयर पढ़ेंगे एंड उस कमेटी का क्या रिपोर्ट था वो पढ़ने वाले ठीक है रिपोर्ट भी ये नहीं पढ़ेंगे रिपोर्ट में क्या दिया था रिपोर्ट से कौन सा एक्ट बन गया है वो पढ़ने वाले ठीक है तो पहला कमेटी जो इंसॉल्वेंसी लॉज के ऊपर इंडिया में बनाया, बना है आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज दी तिवारी कमेटी ठीक है तिवारी कमेटी बना नाइनटीन में ठीक है एंड उस कमिटी के रिपोर्ट के हिसाब से वी गॉट दी सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट ठीक है तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट जब 1985 में आया ना तो वो भी ऐसे ही नहीं आ गया था कमिटी बनाई गई थी प्रॉपर कमिटी को बोला गया था कि रिसर्च करो बताओ हमको कि कहां लॉस चाहिए एंड उसके बाद सीका बना था सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वॉज तिवारी कमेटी ठीक है उसके बाद भी हमें लगा नहीं अभी भी कुछ अच्छे से रिज़ोल्व नहीं हुआ तो हम लोग ने बनाया लो मतलब, you know, नहीं हो पा रहा अच्छे से रिकवरी सबसे ज्यादा इंसॉल्वेंसी फंसते हैं आप इंसॉल्वेंट हो गए पैसा बैंक का फंसा हुआ है तो बैंक्स, बैंक सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं इंसॉल्वेंसी मैटर्स में राइट तो पहले क्या होता था बिफोर नाइनटीन जब ये कमेटी बैठी थी उसके पहले क्या होता था आप मान लो बैंक हो हम कंपनी है हम आपका पैसा ले लिए हम आपको पैसा रिटर्न नहीं कर रहे आप मेरा गिन सूट फाइल करोगे कहां फाइल करोगे नॉर्मल सिविल कोर्ट में फाइल करोगे सिविल कोर्ट का कंडीशन इंडिया में कैसा है किस सेंस में पूरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इतने केसेस है कि टाइम इतना लगता है कोई लिमिट नहीं है नाउ नॉर्मल केस अगर चलो हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ अबाउट अ हाउस वो हाउस का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर पांच साल लग जाते कोई बात नहीं कोई लैंड डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है पांच साल लग जाते कोई बात नहीं बट इंसॉल्वेंसी मैटर जहां पे पैसा लगता है वहां पे पांच साल बहुत मैटर करता है वाई बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी गोज डाउन एवरी डे राइट तो यहां पे फिर वही प्रॉब्लम हुआ नाइनटीन में हम में ने बोला यार सिविल कोर्ट में ये मैटर्स जा रहे कुछ मजा नहीं आ रहा बिकॉज कुछ सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है बस पेंडेंसी बढ़े जा रहे केसेस के वैल्यू मनी का घट गट, घटते जा रहा है सबको नुकसान हो रहा है क्या किया जाए तो नरसिम्हा कमेटी वन ने अपने रिपोर्ट में बोला कि स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल बनाओ जैसे कंपनी लॉ के लिए स्पेशलाइज ट्रिब्यूनल आया एनसीएलटी वैसे ही उन्होंने बोला एक स्पेशलाइज ट्रिब्यूनल बनाओ एंड इसीलिए हम लोग ने लाया रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993। इस एक्ट का मेन फोकस कोई नया लॉ या नया प्रोसीजर लाना नहीं था इस एक्ट का मेन फोकस वॉज टू एस्टैब्लिश न्यू फोरा एंड वो फोरम का नाम क्या है जो जो नरसिम्हा कमिटी का रिपोर्ट एंड बाई दर्च ऑफ दिस एक्ट समझा ठीक है चलो हम लोग ने नया फोरम बना दिया नया फोरम बना दिया सिविल कोर्ट से सारे केसेस उठ के आगे डीआरटी के पास फिर भी पेंडेंसी मतलब फिर भी मतलब जो रिजोल्व होने वाला चीज था ना वो रिजोल्व नहीं ही हो पा रहा है हमने नरसिम्हा जी को वापस बुलाया हम लोग ने उनको बोला वापस कमेटी बैठाओ वापस से बताओ क्या किया जाए बैंक्स को हेल्प करने के लिए व्हाट शुड वी डू तो नरसिम्हा कमेटी ने बोला देखो हम लोग ने अलग फोरम बना दिया कुछ नहीं हो पा रहा है तो अब अपने काम करते हैं ये फोरम वाला सिस्टम ही हटा दो अब बैंक्स को डायरेक्टली राइट दे दो कि अगर तुम्हारे पास बैंक्स जब भी लोन देती है अपने पास क्या रखती है इंटरेस्ट रखती है, राइट right? गिरवी में सामान रखती है ना अपने पास? लिया है कोई सामान के एंड वो पैसा नहीं दे रहा है तो हम लोग बैंक को पार देते दे हैं डायरेक्टली वो सामान गिरवी हुआ को बेच दो तो, ठीक है अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को डायरेक्टली एनफोर्स कर दो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी कोर्ट ठीक है जब अपने सार्फेसी एक्ट पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे सारफेसी एक्ट का जिस्ट ही यही है कि आप अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को विदाउट दी इंटरवेंशन ऑफ एनी कोर्ट एनफोर्स करते हो ठीक है तो इसलिए फिर 1998 में नरसिम्हा कमेटी का रिपोर्ट आया एंड 2002 में सार्फीसी एक्ट को हम लोग ने एनेक्ट कर दिया ठीक है स्टिल लाइक नहीं यार मतलब अभी भी मजा नहीं आ रहा है तो हम लोग ने जस्टिस इरादी कमेटी बैठाई जस्टिस इरादी इरादी कमेटी का रिकमेंडेशन था सबसे इंपॉर्टेंट वॉज एनसीएल बनाना देखो कौन सी ईयर में आई ये रेकमेंडेशन एनसीएलटी बना कब के एक्ट के बाद 2015 में बना है नोटिफाई 2015 में हुआ है नवंबर आई थिंक 2016 में हुआ 15-16 के बीच में आया एनसीएलटी सोचो रिकमेंडेशन आया था 1998 में बना है टू थाउजेंड सिक्सटीन फिफ्टीन में ये इरादी कमेटी का जजमेंट था तो एनसीएलटी सिंस इट्स प्लेज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोल्वेंसी इसलिए कमेटी के बारे में अपने को जानना था फिर आते हैं अपना वर्ल्ड फेमस कमेटी एक्चुअली हम आपको इरादी कमेटी के बारे में और थोड़ा सा बता देते हैं इरादी कमेटी में क्या हुआ था इरादी कमेटी को बहुत स्पेसिफिक एम दिया गया था हर कमेटी का एक एम होता है कमेटी रैंडमली चीजों में रिसर्च नहीं करती थे हैव अ पर्टिकुलर एम इरादी कमेटी का एम वॉज कि इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप जो मैटर्स है उसमें पेंडेंसी कैसे हटाया जाए उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे लाया जाए उसके लिए सजेशन दो तो उनका सबसे बड़ा सजेशन वॉज कि आप हाईकोर्ट से मैटर्स उठा के एक नए ट्रिब्यूनल के पास लेके जाओ जिसको बोलेंगे एनसीएलटी ट वॉज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ इरादी कमेटी उनका एम वॉज की लिक्विडेशन वाइंडिंग अपने ट्रांसपेरेंसी लाना है जल्दी जल्दी करना है लेस टाइम कंज्यूम हो लेस लॉस हो इसीलिए उन्होंने बोला देखो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक नया फोरम में ही जाके देना पड़ेगा आप हाईकोर्ट के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते समझा ठीक है तो इससे इरादी कमेटी हो गया फिर अपना टू थाउजेंड फाइव में वर्ल्ड फेमस जे जे ईरानी कमेटी आई जे जे रानी कमेटी का एम बहुत ही बड़ा था उसका एम बहुत बड़ा था उसका एम था कंपनीज एक्ट में जितने रेकमेंडेशन दे सकते हो दो तो अब आप समझो इरादी का कम, इरादी कमेटी का एम वॉज वेरी स्पेसिफिक एंड रेस्ट्रिक्टेड वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन ईरानी कमेटी का एम वॉज वेरी वेरी वाइड इसका स्कोप बहुत वाइड था कि आप कंपनीज एक्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन सजेस्ट करते हो बताओ हम लोगों ने तो बोला था रिकमेंडेशन सजेस्ट करने के लिए उन्होंने इतना सारा रिकमेंडेशन सजेस्ट किया हम लोगों ने बोला छोड़ दो नया ही बना देंगे एंड देन केम आर एक्ट 2013 स्टिल अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिसलेशन कौन सा है जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बा, के बारे में बात करता है ही है ठीक <coughs> है सीका 1985 में आया 2005 तक 20 साल हो चुका था 20 साल का हम लोग स्टेटस निकाले स्टेटिस्टिक्स निकाले <coughs> मेजर फेलियर मेजर फेलियर मतलब सीका से बड़ा फेलियर कोई एक्ट है ही नहीं शायद इतना बड़ा फेलियर था हम लोग ने बोला

ठीक है यहां पे कमेटी को बोले देखो भाई बहुत मस्ती मजाक हो गया मेरे को अब तुम बैंक रेजोल्यूशन के ऊपर ही कुछ बता के दो ठीक है विश्वनाथन की कमेटी ने बोली यार तुम क्या नॉनसेंस कर रहे हो तुम्हारे पास जो पहले वाला एक्ट है उसमें इतने लूपोल्स है इतने लूपल्स है फेलियर तो होना ही था उसको तो उन्होंने फिर बहुत सारे रेकेमेंडेशन दिए हम लोग ने वो सारे रेकमेंडेशन को बस एक कोड के फॉर्म में कोडिफाई करके आई बना दिया ठीक है ना आप जब रेकमेंडेशन आपको अगर पढ़ाए हम ठीक है अगर तो आप देखोगे कि रेकमेंडेशन में जो दिया गया ना एक्जैक्ट वैसे का वैसे उठे कोड में लिखा गया सिंपल रीजन ये है टीके विश्वनाथन वॉज हेडिंग दी बैंक लॉ रिफॉर्म्स कमेटी टीके विश्वनाथन वॉज हेडिंग दी ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ आई आई आल्सो तो उन्होंने अपने कमेटी के सारे रिफॉर्म सारे रिकमेंडेशन तो ले नहीं थे तो इन्होंने जितने रेकेमेंडेशन इस कमेटी में रिपोर्ट में दिया ना सारे के सारे एक्सेप्ट हुए एबीसी में आईबीसी में सारे के सारे ठीक है किसी को इंटरेस्ट है रेकेमेंडेशन देखने में एक सेकेंड देखो यह है जस्टिस इरादी ठीक है जस्टिस इरादी की कमेटी 1999 में बैठी थी उनका एम वॉज टू एग्जामिन द डिजायरेबिलिटी ऑफ चेंजेस इन द स्कोप ऑफ वाइंडिंग अप एज वेल एज लिक्विडेशन बहुत लिमिटेड स्कोप था और उनसे हम लोग ने मांगा recommendations, तो उनका रिकमेंडेशन का जिस जिस्ट ही यही था कि हमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनानी चाहिए हाईकोर्ट से सब चीज उठा के वहां दे देना चाहिए ठीक है इसके बाद आए अपने जे जे ईरानी दिस इज मिस्टर जे ठीक है? उनकी कमेटी आई इन द ईयर टू थाउजेंड फाइव उनका एम हम आपको बता चुके कंपनीज एक्ट में बोलाना है उन्होंने फिर यहाँ पे बताया क्या क्या रिकमेंडेशन है दीज रिकमेंडेशन ऑफ द जे जरानी कमेटी आर ओनली विद रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक ठीक है पूरा डालेंगे तो अपना पूरा कंपनीज एक्ट ही बढ़ाना पड़ जाएगा ठीक दीज आर विद दैट रिस्पेक्ट टू दैट ओनली तो उन्होंने बोला था कि आपको इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो सी एस एस सी एम ए हो या लॉयर्स हो उनको बनाना चाहिए यू हैव टू यू नो उनका नॉलेज उनके स्किल्स बढ़ाओ वगैरह वगैरह उन्होंने दिया था ठीक है ये अपना मेन है दिस इज मिस्टर टी के विश्वनाथन ठीक है इनकी कमेटी आई थी बैंक लॉ रिफॉर्म्स कमेटी टू में उनका एम वॉ सिंपल टू रिजोल्व फर्स्ट वाला पार्ट हटा देना सेकंड वाला पढ़ो टू इंसॉल्वेंसी विध लेसर टाइम लेसर लॉस एंड हायर लेवल्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग तो यहां पे हम लोग ने बोला आप केवल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पे ध्यान दो आप और कोई चीज पे ध्यान दो ही मत ठीक है वहां से फिर हम लोगों ने रिकमेंडेशन मांगा रिकमेंडेशन देखो पहला रिकमेंडेशन कंसोलिडेट द लॉ बाई रिपीलिंग द प्रीवियस एक्ट हम लोग ने किया क्या कि आईबीसी में वो चीज किया नेक्स्ट एस्टैब्लिश द क्रेडिटर्स कमिटी आईबीसी के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बैठती है शेयर होल्डर्स नहीं बैठते एक्सेप्टेड थर्ड प्रोसेस दैट मे बी इनिशिएटेड बाय बोथ द डेटर एंड द क्रेडिटर आईबीसी के अंदर चाहे आप इंडिविजुअल के अगेंस्ट जा रहे हो या कंपनी के अगेंस्ट जा रहे हो एक डेटर एंड एक क्रेडिटर दोनों जन इनिशिएट कर सकते हैं टेंशन मत लो ये पूरा मतलब प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बनाओ जहां पे एम्प्लॉयज के ग्रीवेंसेस को भी एड्रेस किया जाए आज के पहले, के पहले पहले इंसॉल्वेंसी एंड कोर्ट कोई भी एक्ट ऐसा नहीं था जो एक एम्प्लॉय को एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी मानता था समझो रियल सेंस में क्रेडिटर्स है क्या क्या उन्होंने कंपनी को पैसा दिया है क्या नहीं बट कंपनी उसको पैसा ओ करती है राइट ये चीज हम कभी रिकॉग्नाइज किए ही नहीं थे कहीं पे भी हम लोग ने एंप्लॉयज को क्रेडिटर्स नहीं माना था तो इस कमिटी का रिपोर्ट था जिसने बोला था एम्प्लॉयज को क्रेडिटर्स का दर्जा दो एक आप नया सा नया अलग से ग्रुप बना लो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स करके बट उनको क्रेडिटर्स का दर्जा दो क्या ये चीज एक्सेप्ट हुआ आईबीसी में Yes हुआ आईबीसी में वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स विल डिस्कस दैट ठीक है देन मैनेजमेंट बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ठीक है इसका ये दिस लाइन सेज की जब एक बार आईबीसी के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो सीका के अंदर क्या होता अगर सीका के अंदर जाओ ना तो सीका के अंदर क्या होता था मान लो आपने कंपनी के अगेंस्ट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कंपनी डूब गई थी तभी प्रोसेस स्टार्ट किया सिख तभी ना हुई अगर कंपनी डूबी है कंपनी को डुबाया किसने उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गलत डिसीजन लिए इसलिए कंपनी डूबी तो अगर कंपनी को अब आप बचाने का कोशिश कर रहे हो तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो हटाओगे ना सीका में वैसा नहीं होता था सीका में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तभी भी कंपनी चला रही है मतलब डुबाया भी आपने ही उसके बाद जब हम बचा रहे तब भी आप ही कंपनी चला रहे हो इसको बोलते डेटर्स इन पोजेशन जो अपने पढ़ेंगे इन डिटेल आगे ठीक है आईबीसी उस चीज को हम लोग ने हटा दिया आईबीसी में बोला आपने कंपनी डुबा दी ना बहुत बड़ा बढ़िया काम किया आप निकल जाओ अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सब चीज देखेगा तो एक बार आईबीसी में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है दो डायरेक्टर सुपरसीड कर जाते हैं ठीक है वहां उनके प्लेस में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आता है सो दिस दिसो एक्सेप्टेड इनके और है नेक्स्ट मैनेजमेंट बाय द इंसॉल्वेंसी हो गया सेटिंग अप ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज तो क्या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी सेटअप हुए इंडिया में हुए विल डिस्कस दैट ठीक है वो आएगा आजकल में ठीक है देन सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट इस स्पीच का प्रोविजन फॉर स्पीडी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड टाइम बाउंड नेगोसिएशन ठीक है यहां पे उन्होंने रिकमेंडेशन में क्लियर कट लिख के दिया है कि आपका जो भी सिस्टम डालना है आपको जो भी प्रोसेस डालना है इट हैज टू बी टाइम बाउंड क्या ये चीज एक्सेप्ट हुआ सी में एक्सेप्ट नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आपको एस्टेब्लिश करना है ना इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है अब आप एक आप एक चीज समझो लो लोग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो एक कंपनी को मिलकर आप लोगों ने डुबा दिया ठीक है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आया उसने बोला जिसको जिसको एक कंपनी बचाना है जिसके जिसके पास बहुत सारा पैसा है आओ इस कंपनी को बचा लो हम एक थर्ड पार्टी भगवान की दया मेरे पास बहुत पैसा ठीक है हम आए हम बोले कि हम आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे मेरे को आपकी कंपनी बचानी है ठीक है अब अगर हम आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे तो कंट्रोल हम चाहेंगे मेरे पास रहे तो हम बोले हम पैसा देने के लिए रेडी है कंट्रोल मेरे को दो ठीक है क्या आप रेडी हो गए इस चीज के लिए नहीं चलो मान लो लॉ ने आपको बोल दिया कंट्रोल देना पड़ेगा आपके पास ऑप्शन नहीं है ठीक है हम बोल रहे चलो हम पैसा लगाने के लिए भी रेडी है मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे क्या आप इंफॉर्मेशन दोगे मेरे को आपके बस में इंफॉर्मेशन देना आपके बस में कंट्रोल वंट्रोल नहीं है कुछ भी आपके बस में इंफॉर्मेशन देना है आप पूरा कोशिश करोगे कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास ना आ पाए ताकि हम ये प्लान इंप्लीमेंट ना कर पाए राइट तो इस चीज को पूरा ये पूरे सिस्टम को हटाने के लिए हम लोग ने इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ला दिया इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी समथिंग लाइक जैसे अपना क्रेडिट रेटिंग होता है ना एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो अपना क्रेडिट स्कोर करती है वैसे इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज इंडिपेंडेंट एजेंसी जो पूरा डेटा सेव करके रखती है सारी कंपनीज का ठीक है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के पास डेटा कहां से आएगा लॉ में लिखा गया है कि कंपनीज के ऊपर डेटा उसको देना मैंडेटरी है अगर नहीं दोगे तो हम तुमसे ये वाला फायदा हटा देंगे अगर नहीं दोगे तो ये वाला फायदा हटा देंगे तो हमने हर जगह डिफरेंट डिफरेंट लॉज में डाल दिया है ये इफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास जाके जमा करो नहीं तो तुमको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो इसलिए आप कंपनीज के ऊपर ऑप्शन नहीं है या तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास इंफॉर्मेशन दो या फिर बेनिफिट दो सब कंपनीज बेनिफिट लेना चाहती है सब इंफॉर्मेशन देती है वहां इंफॉर्मेशन जमा हो जाता है एंड ऐसे मौके पर आप वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो वेरी स्मार्ट वेरी स्मार्ट मूव तो ये भी एक्सेप्ट हो गया एंड लास्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया तो जैसे सेबी है ना अपना देखो सिक्योरिटीज मार्केट बहुत ही सॉर्टेड है वो इतना टेक्निकल इतना कॉम्प्लेक्स लेकिन कितना सॉर्टेड चलता है क्यों बिकॉज उसका एक इंडिपेंडेंट एपेक्स बॉडी है जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं राइट right? तो यहां पे एक रिकमेंडेशन ये आया कि आप इंसॉल्वेंसी मैटर्स पे भी एक एपेक्स बॉडी अलग से बना दो उसको आईबीबीआई बोल देंगे हम लोग इसलिए आईबीबीआई बीबीआई एस्टेब्लिश किया गया क्या ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हुआ ये भी हुआ तो ऑल द रिकमेंडेशन गॉट एक्सेप्टेड ठीक है एक सेकेंड चलो यहां हो गया अब अपने कंटिन्यू करते हैं चलिए तो अपना सर कमिटी समझवाया ठीक है तो यह बस एक ओवरव्यू था बैकग्राउंड था कि कोड क्यू आया अब अपने आते वाई न्यू लॉ इतना हम आपको पूरा बैकग्राउंड दे दिए अब आप लोग मेरे को बताओ क्या जरूरत आईबीसी लाने का आईबीसी के पहले भी कंपनीज बन रही थी इंडिया में ट्रेड हो रहा था इंसॉल्वेंसीज हो रहे थे फिर भी ट्रेड हो रहा था बिजनेस चल रहा था इकोनॉमी चल रहा था तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड लाने का क्या पॉइंट था क्यों लाया गया इतना स्ट्रिक्ट कोड मतलब रेजोल्यूशन को थोड़ा और एफिशिएंट बनाने के लिए डाला गया बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था ओके okay, और ओके okay. कोई भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं था हमारे पास तो अगर ऐसे अलग अलग लॉज एक्ट कर रहे होते तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस क्या चीज का होता है ओवरलैपिंग का बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग का आप बाकी लोगों को छोड़ो एक कंपनी को रखो बीच में अब यही कंपनी के ऊपर आपका कंपनीज एक्ट एक्ट कर रहा है यही कंपनी अगर मान लो बैंक है तो सारेगा आर डी डी बी एफ भी एक्ट करेगा, करेगा शायद सी का भी एक्ट करने लग जाए किसी पॉइंट पे इतने सारे लॉज जब एक्ट करने लग जाते हैं एक तो ओवरलैपिंग होता है एंड बहुत चांसेस है कि अगर कंपनी लॉ ये बोल रहा है तो शायद सी का ये बोलेगा राइट right? तो कॉन्ट्रेडिक्शन भी हो रहा था सो देव मल्टीपल लॉज ठीक है विच वर ओवरलैपिंग एंड देर वॉज अ कॉन्ट्रोडिक्शन नथिंग वॉज हैपनिंग इन अ टाइम बाउंड मैनर कुछ टाइम का तो लेना देना था ही नहीं बीस पच्चीस साल लगते थे हर चीज के लिए इतना टाइम वेस्ट हो रहा होता था उसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है हाँ, टाइम फ्रेम नहीं था तो वो टाइम तो कुछ भी कुछ भी कुछ भी चल रहा था मतलब सीका में तो कुछ भी चलता है कुछ भी लिटरली चल रहा था सीका में दस साल बीस साल कंपनी पड़ी हुई है मर रही है कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है अपने प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो सिस्टम था चलिए और चीज देखते हैं देखो ये तो अपने सबसे डिस्कस कर ही लिए मल्टीपल लॉज ठीक है मल्टीपल एजुटिकेटिंग फोरा थे एनसीएलटी के पास जाए या डीआरटी के पास जाए या हाई कोर्ट के पास जाए या सिविल कोर्ट के पास जाए वो भी नहीं क्लियर हो पा रहा था कौन किसके पास जाएगा तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ रहा था नेक्स्ट टाइमली वे ऑफ रिकवरी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी बोल दिया रिकवरी कर लो सीका के अंदर बोल दिया रिकवरी कर लो कब करे कितने दिन के अंदर करे आपने बोल दिया आपको पैसा मिल जाएगा भाई पैसा मिलना एक चीज होती है पैसा टाइम पे मिलना अलग चीज होती है आपने बोला पैसा मिलेगा पैसा कब मिलेगा कभी नहीं बताया तो टाइमली रिकवरी ऑफ मनी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था ठीक है उसके अलावा इंडिविजुअल्स के लिए एंड फर्म्स के लिए कौन सा एक्ट था अभी तक सी टाउन जीरो हंड्रेड ईयर्स से ऊपर लेजिसलेन भाई तब से आज तक सोसाइटी चेंज नहीं हुई क्या अपना इकोनॉमी चेंज नहीं हुआ क्या अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ अपने एडवांस नहीं किए कुछ भी वहीं पर अटके हुए क्या तुम सोचो सौ साल पहले कहां था इंडिया आज इंडिया कहां है राइट लेकिन लॉज अभी भी हम लोग ये वाल अप्लाई करे इज इट फेयर क्या वो लॉज सफिशियंट होंगे आज के सिनारियों के लिए ऑफ कोर्स नॉट तो आपके लॉजिशियंट वन इट कम्स टू इंडिविजुअल एंड फॉर्म बिकॉज आप नाइनटीन जीरो नाइन का फॉलो कर रहे थे सोचो नाइनटीन एटी फाइव का लॉ इतना रिडंडेंट था नाइनटीन जीरो नाइन का लॉ तो क्या ही होगा राइट right? तो वो वैसे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज अंडर वेरियस लॉज एंड डिफरेंट अथॉरिटीज वही अगेन बहुत मल्टीपल फोरा हो रहे थे एंड कोई स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम नहीं था तो बेसिकली तीन ही चीजें मल्टीपल लॉज जो ओवरलैप करते हैं एंड कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं कोई टाइम फ्रेम नहीं है एंड इंडिविजुअल्स के लिए आप बाबा आदम के जमाने का लॉ यूज कर रहे थे तो उसको अपने को चेंज करना था दीज व थ्री मेन रीजन नाउ एक चीज याद रखना एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा प्रॉबेबिलिटी बहुत है ठीक है बट आप वहां पर तीन पॉइंट्स लिख के नहीं आ सकते हो पांच मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मिनिमम छह पॉइंट्स तो लिखना ही पड़ेगा इसीलिए इसको हम यहां पे डिवाइड किए इनटू फाइव डिफरेंट पॉइंट्स ठीक है अगर आप ये पांच पॉइंट्स को पढ़ो ना आपको तीन ही पॉइंट्स दिखेंगे जो रिपीट किए जा रहे हैं तो वहां पे भी तीन पॉइंट्स को रिपीट करके आ जाना सेम वर्ड्स नहीं लिखना है भाव सेम होने चाहिए वर्ड्स डिफरेंट लिख के आना समझा सबको

पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स इन टाइम बाउंड मैनर बैच खत्म होता था लाइन तो हम याद कराई देंगे और इसको चेप के आना मतलब जहां मौका मिले वहां पे लिख के आना वहां पे ठीक है बिकॉज ये लॉन्ग टाइटल है एंड ये आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग नाइनटी परसेंट बच्चों को नहीं याद रहता ठीक है तो अगर आपके पेपर में कुछ डिफरेंट दिखेगा यू विल गेट ब्राउन पॉइंट बगैर समझा ठीक है चलिए एक यहां पे अलग से पॉइंट लिख दिए जो आपने डिस्कस नहीं किए थे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट कब बना सकता है कोई कोई भी चीज के ऊपर लॉ कौन से लिस्ट में हो यूनियन लिस्ट में हो तो कॉन्करेंट लिस्ट में हो तो दोनों तो दो तो, uh, दो बना सकते तो किसका प्रिवेल करेगा सेंट्रल का तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक का जो मैटर होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है ठीक है जिसमें स्टेट एंड सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं तो ऑफकोर्स अपने सेंटर को लॉ लॉ बनाने का राइट था उन्होंने लॉ बना दिया वही प्रिवेल करने वाला है इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है हम लोग सब लोग कौन कौन सर्विस टैक्स पढ़ के हो इन एग्जेक्यूटिव मतलब पढ़े थे ना वैट हाँ ये दोनों स्टेट एक्ट थे मतलब सर्विस टैक्स के ऊपर राइट स्टेट के पास था ठीक है एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट सर्विस के ऊपर टैक्स लगाना वॉज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट अभी सर्विस के ऊपर टैक्स कैसे लग रहे जीएसटी के थ्रू जीएसटी इज अंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट इट्स अ सेंट्रल एक्ट इट्स अ सेंट्रल एक्ट कैसे तो फिर जीएसटी सेंटर ने बना दिया सर्विस के ऊपर कैसे वो टैक्स लेवी कर सकता है टैक्स जा रहा है सेंटर स्टेट के पास उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट लॉ कैसे सेंटर ने बना दिया कॉन्करेंट लिस्ट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम्म जिसमें हम लोगों ने जीएसटी का बाद दिया था देखो ऐसे केसेस में क्या होता है ना आप स्टेट के पास जाते हो एंड स्टेट से कंसेंट मांगते हो अगर स्टेट्स ने कंसेंट दे दिया तब सेंट्रल बना सकता है उसके ऊपर लो जीएसटी स्टार्ट हो गया था पाइपलाइन में 2005 के अराउंड आया इन द ईयर थाउजेंड हाँ हाँ मतलब कमिटी कमेटी वो पाइपलाइन में बहुत पहले से चला आ रहा है राइट बट अल्टीमेटली 2017 में क्यों आया बिकॉज स्टेट्स नाटक कर रहे थे स्टेट्स कंसेंट नहीं दे रहे थे बहुत सारे कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो बोल रहे थे नहीं हमें नुकसान होगा हमें फायदा होगा बहुत नाटक हुआ था इसलिए वो कॉम्पेंसेशन वाला जो एक्ट आया था साथ में वो भी आया ताकि जिन स्टेट्स को नुकसान हो उनको कॉम्पेंसेट किया जा सके समझा तो ऐसा चलता है ऐसा प्रोविजन आप लोग बनाए हुए हैं इट जस्ट वहां पर आपको दो तीन स्टेप्स ऑल फॉलो करने पड़ते हैं ठीक है सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक इज प्रोवाइडेड इन एंट्री नाइन ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट एंड हेंस बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन इट इसीलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोर्ट के ऊपर सेंटर ने लॉ बना दिया है होना चाहिए बट हम लोगों ने रखा है कॉन्करेंट लिस्ट में अब उसके पीछे का रैशनल क्या है वो एक्जैक्टली मेरे को नहीं पता टेक्निकली स्पीकिंग होना चाहिए सेंट्रल लिस्ट में पैन इंडिया रहेगा वो मेक सेंस मेक सेंस आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड दिस बट ये रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट में प्रोबली इसीलिए रखा गया हो मे बी प्रोबली इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी को ध्यान में रखते रखा गया हो इंडिविजुअल का जो इंसॉल्वेंसी होता है तो बोला कंपनी के ऊपर भी इंसॉल्वेंसी चाहिए इंडिविजुअल के लिए भी चाहिए कॉन्करेंट में डाल दो इंडिविजुअल का स्टेट बना लेगा कंपनी का सेंटर बना लेगा बट यहां पर दोनों के लिए सेंटर ने बना दिया दिस कैन बी अ प्रोबेबल रीजन वाई समझा ठीक है चलिए नाउ आते हैं आज अपने यही बस इंट्रोडक्शन देखेंगे आप इन डेप्थ कि है क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड एंड देन विल कॉल इट अ डे ठीक है चलो तो किस कमेटी के बाद आई किस कमिटी के बाद आई बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म कमिटी, कमिटी ठीक है उस कमिटी के बाद आई तो कमिटी अपना जब रिपोर्ट देती है तो रिपोर्ट आता है पहले तो ये रिपोर्ट आया था सबमिट किया गया था इन द ईयर टू 2015 दिसंबर 2015 को ये फिफ्टी को नवंबर 2015 में कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया उसके बाद ये रिपोर्ट एक जॉइंट कमेटी को भेजते हैं हम लोग तो एक चीज याद रखिएगा कभी भी कोई भी बिल पार्लियामेंट में आता है ना जो कि इतना टेक्निकल हो तो पार्लियामेंट में हमारे जो एम बैठे हैं वो इतने एक्सपर्ट्स नहीं है कि वो सब चीज से डील कर ले तो हम लोग इसको ज्वाइंट कमिटीज को रेफर करते हैं रेफर करते हैं ज्वाइंट कमिटीज आर कमिटीज ऑफ एक्सपर्ट्स ठीक है वो लोग बैठ के पूरा लॉस देखते हैं ये लॉस में कहां लूपहोल है क्या है वगैरह वगैरह तो ये जॉइंट कमेटी को रेफर किया गया अप्रैल में जॉइंट कमेटी का अपने पास रिपोर्ट आ गया उसने बोला कि ठीक है सब चीज आगे कर दो 6th मई को लोकसभा ने पास किया इलेवेंथ मई 2016 को राज्यसभा ने पास किया 28th मई 2016 को प्रेसिडेंट ने assent देके नोटिफाई कर दिया इसीलिए 2016 में कोड आया, है? तो दिस वाज़ द क्रोनोलॉजी पहले रिपोर्ट सबमिट किया गया 2015 में ही जॉइंट को रेफर किया में, में कमेटी की रिपोर्ट आई सिक्स में लोकसभा में राज्यसभा ट्वेंटी एथ में प्रेसिडेंट का असेंट एंड वी गॉट द एंड बैंक कोड ठीक है नाउ ये सबसे बोरिंग पार्ट है एंड बैंक कोड का जो समझ में नहीं आता हम क्यों पढ़ाए बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आई बी सी आई एम टेलिंग यू ये सब चीज बहुत फेवरेट क्वेश्चन है अपने इंस्टीट्यूट के राइट दी ऑब्जेक्टिव ऑफ आई बी सी ठीक है सो ये यहां पर जितने पॉइंट लिखे हुए इसमें से छह पॉइंट याद करके चले ही जाना ठीक है अपने डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट पहला तो वही अपना टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू और ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स नहीं बस यहां तक नेक्स्ट में डालना टू रिजोल्व इंसॉल्वेंसी इन अ टाइम बाउंड मैनर दो पॉइंट हो गए ऐसे ठीक है दो पॉइंट हो गए अपना ऑब्जेक्टिव थर्ड एनश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अट्स कैसे बिकॉज हम सब चीज टाइम बाउंड मैनर में कर रहे हैं अगर टाइमली सब चीज होते जाए तो मेरे असेट्स का वैल्यू घटेगा नहीं वो टाइम पे बंधा रहेगा तो वो मैक्सिमाइज मैक्सिमम वैल्यू जो मेरे को मिल सकता है वो मिलेगा तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू टू प्रमोट एंड ऑन्टरप्रनोरशिप कैसे ना हम ये क्लास में बताया है क्या कि आईबीसी जब आया ना उसी साल ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया ने बहुत बड़ा जंप मारा था ठीक है व्हाई बिकॉज़ सुनिए आईबीसी बात क्या करता है आप गरीब हो गए तो उस गरीबी को कैसे रिजॉल्व करना है रिजॉल्व करोगे तो भी आपका कंट्रोल कहीं और जाएगा या फिर आप ликвиडेट हो जाओगे तो अल्टीमेटली ये एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ा रहा है खुद सोचो ना मेरे को बिजनेस डालना है और ये आईबीसी तो मेरे बिजनेस खत्म करने का बात कर रहा है किसी और को चांस मिल रहा है मेरा पैसा फ्री हो रहा है उससे पहले हम जितना पैसा लगाएंगे अगर आप आके कंट्रोल ले रहे हो मेरे कंपनी का तो मेरा पैसा कुछ ना कुछ तो फ्री होगा ना तो आई नो कि अगर इस कंपनी में इस कंट्री में कंपनी डालना इजी है तो इस कंट्री से कंपनी निकालना भी उतना ही इजी है एंड दैट इज हाउ इट इज प्रमोटिंग ऑन्टरप्रन्यरशिप पहले क्या था सीखा जब था तो लोगों को लगता था चलो कंपनी डाल तो लेंगे बट कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई ना तो अपने फंस जाएंगे साल भर इतने सालों तक बिकॉज एक बार बी के पास चले गए तो फिर तो कुछ वही नहीं है राइट तो लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे आईबीसी के बाद लोग आना चाह रहे हैं बिकॉज उनको पता है जा भी सकते हैं आसानी से आ भी सकते हैं वापस आसानी से इसीलिए इट इज प्रमोटिंग ऑन्टरप्रेन्योरशिप ठीक है नेक्स्ट टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ठीक है तो अब ये थोड़ी टेक्निकल चीजें है कि आप आपका अगर बैलेंसशीट अच्छा हो तो आपको क्रेडिट रेट मिलेगा ऑल दट नॉनसेंस ठीक है टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ऑल्टरेशन दी ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है सब अकाउंट्स तो पढ़ के आए हो हाँ मतलब मजबूरी शौक जैसे भी पढ़ के आए हो ठीक है वहाँ पे लिक्विडेशन करके एक चैप्टर था लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज जिसमें हम लोग अकाउंटिंग करते थे तो लिक्विडेशन में हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डालते हैं ठीक है थेके? किसी को भी ऑर्डर याद है क्या बोलो हुँ। हुँ। वो सब प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में साथ जो पेमेंट्स आते हैं उसी में आ जाते वो सारे राइट right? उसी में गवर्नमेंट ड्यूज भी आता था टैक्सेस प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में राइट right? आई ने उसको बदल के नीचे ला दिया अनसिक्योर क्रेडिटर के भी अब गवर्नमेंट को बोला गया भाई तुम्हारे पास बहुत पैसा है तुमको पैसा लूटना है ना इनकम टैक्स के हिसाब से उनसे लूटो जिनके पास पैसा है जो ऑलरेडी गरीब है और जिनके पास दूसरों का पैसा बचा हुआ है उनसे मत लो पैसा तो हम लोग ने एंड बैंक कोड में लिक्विडेशन के दौरान प्रायोरिटी को चेंज कर दिया है अब एंड अब गवर्नमेंट सबसे नीचे आती है ठीक है तो दिस वॉज अनदर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यह एक और था बिकॉज पहले क्या होता था गवर्नमेंट अपना पैसा लेके बैठ जाएगी उसके बाद जो बचा कुछ है वो बाकी लोगों को दिया जाएगा क्यों भाई पहले बाकी लोगों को दो ना बाद में गवर्नमेंट को दो कुछ बचता है तो तो उस चीज को हम लोग ने चेंज कर दिया यहाँ पे नेक्स्ट टू एस्टैब्लिश आई बीबीआई एज अ रेगुलेटरी बॉडी ये तो अपने उसमें भी पढ़ा रिकमेंडेशन में भी देखा कि आई बीबीआई है यहाँ पे भी हमने देखा टू एस्टैब्लिश इट एज अ रेगुलेटरी बॉडी एंड टू प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर इंसिडेंटल मैटर्स ठीक है और जो उसके आसपास के मैटर्स है उन सबके लिए प्रोसीजर प्रोवाइड करना ठीक है सो ये एक होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स है ऑब्जेक्टिव्स में आप चाहो तो और ये भी लिख सकते हो टू एस्टैब्लिश अगर हम आईबीबीआई एस्टैब्लिश करना ऑब्जेक्टिव बता रहे तो फिर हम आईपीए इंसोरेंसी प्रोफेशनल एजेंसी भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी भी एक ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव बहुत बना सकते हो आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट एटलीस्ट इससे पांच ऑब्जेक्टिव याद करके चले जाना ठीक है तक क्लियर हुआ तो कोड का क्या चीज था अपने ये लास्ट टॉपिक का देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड मेरे को बस आपको इसमें ये बताना है कि इसको डिटेल में पढ़ना है अपने को कल पढ़ेंगे आज अपने बस एक ऊपर से देख के छोड़ दे रहे कोड कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है तो कोड कैसे ऑर्गेनाइज किया गया इसके पहले हमको ये बताओ इसको हम कोड क्यों बुला रहे तब से क्या हम बता चुके ये कल ओ तब ठीक है पहले बताना चाहिए था ना एक तो यार जस बात इंसॉल्वेंसी पढ़ाओ दोनों का सिलेबस अलग ही भाग रहा है वहां पे फास्ट पढ़ा रहे तो वहां पे आगे निकल जाए तो इनको समझ नहीं आ रहा हम कहा क्या पढ़ाए थे एनी anyway, तो ये जो आई है ठीक है इसको छह पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहां पांच ही डाला गया एक स्केड्यूल है लास्ट में चलो उसको हटाओ पांच पार्ट में डिवाइड किया गया ठीक है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइव नाउ जनरली में अगर आप ये पहली बार सुन रहे हो कि इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है तो लॉस को पार्ट्स में डिवाइड करना इज नॉट अ न्यू थिंग ठीक है आप कोई भी एक्ट खोल के देख लो खोल के देख लो सेबी खोल के देख लो, SCRA, act, IPC, कुछ भी खोल के पार्ट्स में चैप्टर्स में सब वैसे ही ठीक है ये कोई नई बात नहीं है कि डिवाइड किया गया बट हम लोग यहां पर इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज आईबीसी में पार्ट्स का डिविजन इज ऑफ अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंस उसका बहुत ज्यादा वैल्यू है ठीक है क्यों आपको भी हम समझाते हैं देखिए पहला पार्ट जो है

इसमें थ्री है सेक्शन थ्री सेक्शन फाइव एंड सेक्शन सेवेंटी नाइन तीन डेफिनेशन सेक्शन है ठीक है सेक्शन टू इसका दूसरा है सेक्शन थ्री है देखो ना आप ही इसमें लास्ट में भी दिया है फाइव एंड सेवनटी नाइन अब सेक्शन फाइव कहां पे आ रहा है बताओ पार्ट टू में आ रहा है सेक्शन फाइव एंड सेक्शन सेवेंटी नाइन कहां आ रहा है पार्ट थ्री में आ रहा है ठीक है ना हम लोग ने ऐसा क्यू किया हम लोग ने इसलिए किया क्योंकि हम लोग इसका जो पार्ट का बाइफिकेशन है ना बहुत सीरियसली लेके चलते हैं आप खुद समझने की कोशिश करो हम एक ही लॉ से एक इंडिविजुअल को भी गवर्न कर रहे हैं और एक कंपनी को भी गवर्न कर रहे हैं ये पॉसिबल है क्या एक ही लॉ से एक ही लॉज हम इंडिविजुअल्स पे भी लगा रहे हैं कंपनीज पे भी लगा रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है क्यों सिंपल रीजन कंपनीज का मैटर कहां जाएगा एनसीएलटी के पास क्या एनसीएलटी के पास इंडिविजुअल मैटर्स ले जा सकते हो

माई असेस आई लोनली टेक द डिसीजन आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम यू मे बी और योर कंसेंट बट डिसीजन आई लोनली टेक कंपनी का डिसीजन कम्प्लीटली कोई और लेता है तो बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स में तो उन डिफरेंसिस को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्पेशल लॉज बनाने के लिए हम लोगों ने पार्ट में डिवाइड कर दिया पार्ट वन प्रमरी है जो सबके ऊपर अप्लाई करता है पार्ट टू स्पेसिफिकली बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर अप्लाई करता है कंपनीज एंड एल एल पी के ऊपर ठीक है स्पेसिफिकली पार्ट थ्री स्पेसिफिकली इंडिविजुअल एंड फोर्म अप्लाई करता है ठीक है तो अब इसमें अच्छा ठीक है हम पूरा ही बता दे पार्ट फोर जो है उसको हम बोलते हैं पिलर्स ऑफ आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ये सब चीज एस्टेब्लिश किया है कहां से आया पार्ट फोर में वो ठीक है तो उसको इसको हम लोग तो डिटेल में कल डिस्कस करेंगे अभी बस समझो पार्ट फोर में इन सब के बारे में बात की गई है एंड पार्ट फाइव मिसलेनियस है वो ऐसे कि सिविल कोर्ट को जो रिजिक्शन नहीं रहेगा हेन सेन वो सब टाइम पास है ठीक है समझा तो पांच डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है अब हम जो डेफिनेशन सेक्शन का बात करते हैं वो समझो प्रिलिमिनरी का जो डेफिनेशन सेक्शन है सेक्शन थ्री वो पूरे कोड पे अप्लाई होता है राइट पार्ट वन का जो डेफिनेशन पार्ट टू का जो डेफिनेशन सेक्शन है सेक्शन फाइव वो केवल पार्ट टू में अप्लाई करता है एंड पार्ट थ्री का जो सेक्शन है सेवेंटी नाइन वो केवल पार्ट थ्री पे अप्लाई करता है समझ आ रहा है सबको ठीक है बिकॉज आप देखो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ठीक है इसका डेफिनेशन पार्ट फाइव में दिया गया सॉरी पार्ट टू में दिया गया सेक्शन फाइव में दिया गया क्यों बिकॉज ऑपरेशन टू ओनली उसका इंडिविजुअल से रिलेटेड है।, है।, तो है उनको हम लोग ने सेक्शन फाइव पे दिया है ऐसे जो केवल इंडिविजुअल से रिलेटेड उनको हम लोग ने सेक्शन सेवेंटी पे दिया है और ऐसे टर्म्स जो सबसे रिलेटेड है उनको हम लोगों ने सेक्शन थ्री पे दिया है ठीक है तो इंसोल कोड पांच पार्ट्स में डिवाइडेड है पार्ट वन इज प्रिलिमिनरी पार्ट टू इज कंपनीज एंड एल एल पी पार्ट थ्री इज इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स पार्ट फोर इज पिलर्स इसको हम बोलते हैं पिलर्स ऑफ आई बी सी ये अपने सबसे पहले पार्ट फोर पढ़ने वाले कल ही पढ़ेंगे अपने पार्ट फोर जिसमें हम लोग सारे पिलर्स डिस्कस करेंगे ठीक है एंड पार्ट फाइव इज मिसनियस प्रोविजन ठीक है तो ये पूरे पार्ट फाइव में अप टू सेक्शन टू ट्वेंटी टू फिफ्टी फाइव आ जाता है अपना आईबीसी का इसके बाद एक स्केड्यूल आता है जिसमें इलेवन स्केड्यूल्स है जो बाकी लॉस को अमेंट कर रहा है तो अपने कोई उसका मतलब का है है नहीं ठीक तो बस यही अपना इंसॉल्वेंसी एंड कोड का स्ट्रक्चर अब इसके बाद हम लोग पूरा आईबीसी के अंदर घुसने वाले अब हम लोग कल पार्ट फोर से स्टार्ट करेंगे पार्ट फोर खत्म करके हम लोग पार्ट टू में घुसेंगे पार्ट टू खत्म करके पार्ट थ्री में घुसेंगे खत्म हो जाएगा अपना पूरा ठीक है पार्ट फाइव पढ़ने का नहीं होता है पार्ट वन में केवल डेफिनेशन पढ़ने का है वो अपने पढ़ लेंगे ठीक है तो इसी के साथ अपने आज का लेक्चर खत्म करते एक फटाक से रिवाइज करते एक बार

इरादी कमेटी उनका मेजर जिस्ट क्या था बोलने का एनसीएलटी में सब चीज ट्रांसफर करो उसके बाद कौन सी कमेटी आई जे, जे कमेटी उसके वजह से क्या आया कंपनीज टू थाउजेंडीन एंड तब भी कुछ नहीं हो पाया कमेटी लेके आए बैंक लॉज रिफॉर्म्स कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टी के विश्वनाथन इसने क्या बोला आई लेके आओ ठीक है क्यों नया लॉ चाहिए था तीन चार मेन रीजन है पहला मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ओवरलैप हो रहा था एंड कॉन्ट्रेडिक्शन हो रहा था सेकेंडली बहुत ज्यादा फोरा थे बहुत ज्यादा मतलब डीआरटी एनसीएलटी बी आई एफ आर हाईकोर्ट बहुत डिफरेंट डिफरेंट फोरा थे नेक्स्ट टाइम का कोई हिसाब किताब ही नहीं था कुछ भी चल रहा था एंड लास्ट इंडिविजुअल्स के लिए लेजिस्लेश बहुत ओल्ड थे हंड्रेड ईयर्स से पुराने टू तो न्यू लेजिसन ठीक है उसके बाद हम लोगों ने यह पढ़ लिया एक बार वापस पूरा फुल टाइटल बता दो आईबीसी टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड सोलवेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन पार्टनरशिप फर्म्स इंडिविजुअल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर ठीक है उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि इसे की ऑब्जेक्टिव क्या थे तो ऑब्जेक्टिव अपने मन से लिख देना अपने को कि IBB, आन था यूटिलिटी प्लान था वापस से वो पूरा लॉन्ग टाइटल को दो तीन पार्ट्स में लिख देना हो गया एंड लास्ट में देखा कोड कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो कोड में टोटल टू फिफ्टी है जिसको हम जिसको ने पांच पार्ट में डिवाइड किया है पार्ट वन इज प्ररी उसमें जनरल है सबके ऊपर अप्लाई करता है उसका सेक्शन थ्री इज द डेफिनेशन सेक्शन पार्ट टू इज फॉर कंपनीज एंड उसका सेक्शन फाइव इज द डेफिनेशन सेक्शन सेक्शन फाइव किस पे अप्लाई करेगा केवल पार्ट टू पे वो उसके बाद कहीं पे भी अप्लाई नहीं करता उसके बाद आता है पार्ट थ्री इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स वो कहां पे अप्लाई करता है उसका डेफिनेशन सेक्शन कौन सा है सेक्शन सेवेंटी वो केवल पार्ट थ्री पे अप्लाई करता है पार्ट फोर टॉक्स अबाउट पिलर्स ऑफ आईबीसी क्या है पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी आई बी बी Bankruptcy Board बोर्ड ऑफ इंडिया Professionals, प्रोफेशनल Professional Agency एजेंसी एंड एजुकेटिंग अथॉरिटी जी अपने कल देखेंगे एंड लास्ट पार्ट फाइव मिसलिनियस रैंडम है उसका दिमाग लाने का काम नहीं है ठीक है तो इसी के साथ आपने आज कल कर करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए खुश रहिए धन्यवाद